हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन अपडेट पर स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट लगातार लोगों को इम्यूनिटी को बेहतर बनाने वाली चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह दे रहे हैं। इम्यूनिटी सिस्टम शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देता है और मरीज की रिकवरी जल्द हो जाती है। अगर आपको भी शरीर में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आज से ही खाना शुरू कर दीजिए। प्लांट बेस्ड फूड में काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने का काम करते हैं। ZOE कोविड स्टडी के वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लांट बेस्ड फूड का सेवन करने वाले लोगों में गंभीर रूप से बीमार पड़ने और हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना 40% कम होती है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों में वायरस की चपेट में आने का खतरा भी 10% कम होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, V6 और V12 होता है, जबकि फलों में हमें विटामिन ए और विटामिन सी मिलता है। वहीं बीज प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन ई और आयरन का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। प्रोटीन और कैलोरी, अगर आपका शरीर वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं जुटा पा रहा है तो कैलोरी और प्रोटीन पर ध्यान दीजिए। प्रोटीन के लिए आप अंडे, मछली, टोफू और दाल जैसी चीज़ें डाइट में शामिल कर सकती हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप केला, नट बटर, बीज और फलीदार सब्जियों का भी सेवन कर सकते हैं। एवोकाडो, चीज, ऑमलेट जैसे चीजों से शरीर को पर्याप्त कैलोरी मिल सकती है। फ्रोजन फूड, कोविड-19 की रिकवरी के दौरान बहुत से लोगों को थकावट महसूस होती है। ऐसे में शरीर पूरी क्षमता के साथ वायरस का मुकाबला नहीं कर पाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि फ्रिज में रखे फल और सब्जियां, ताजे फल सब्जियों जितनी ही पौष्टिक होती है, इसलिए कोरोना के संकट काल में बाजार में लाइन में खड़े होने की बजाय अपने फ्रिज में फल सब्जियों का अच्छा स्टॉक रखें। मसाले स्वाद और सुगंध की क्षमता खो देना कोरोना का एक सामान्य लक्षण है। एक्सपर्ट कहते हैं कि लहसुन, अदरक और काली मिर्च जैसी चीजें ना सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती हैं बल्कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का भी काम करते हैं। अदरक और लहसुन दोनों ही इन्फ्लेमेटरी टीरज से भरपूर होती है। वही मिर्च में कई तरह के विटामिन होते हैं और दर्द में राहत देने वाले गुण होते हैं। कोरोना की चपेट में आने के बाद आपको कम से कम 7 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। इस बीच आप बाजार जाकर शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं। आप किसी दोस्त या रिश्तेदारी के हाथ खाने के लिए हेल्दी चीजें ही मंगवाएं जिसमें प्रोटीन, फल सब्जियों और साबुत अनाज जैसी चीजों की मात्रा ज्यादा हो।